एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने सिंधिया घराने की परंपरा को निभाने उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की राजसी सवारी की पूजा अर्चना की। इस दौरान सिंधिया ने बाबा महाकाल से प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। देखिए ये खास रिपोर्ट। बाबा महाकाल की राजसी सवारी में दिखी सिंधिया घराने की परंपरा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की महाकाल की सवारी की पूजा। राजसी घाट से नगर भ्रमण पर निकले महाकाल महाराज। सिंधिया ने देश और प्रदेश की खुशहाली का मांगा आशीर्वाद। प्राचीन काल से ही भगवान महाकाल की सवारी में सिंधिया घराने की ओर से कोई न कोई सदस्य शामिल होकर पूजा अर्चना करता आया है। इसकी बड़ी ही रोचक वजह है। महाकाल की सवारी से सिंधिया घराने का 250 साल पुराना जुड़ाव है। राणो जी सिंधिया द्वारा मंदिर जीर्णोद्धार के बाद इसकी फिर शुरुआत हुई थी, तब से सिंधिया परिवार सवारी में भाग लेता आया है। इसी परंपरा को निभाने के लिए भादो मास के दूसरे सोमवार भगवान महाकाल की अंतिम और इस सवारी में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन पहुंचे और राजाधिराज की पूजा अर्चना की। बाबा महाकाल 6 स्वरूपों में अपनी प्रजा का हाल जानने निकले। बाबा महाकाल ने चंद्रमौलेश्वर स्वरूप, श्री उमा महेश, श्री शिव तांडव, श्री होलकर स्वरूप, श्री सप्तधान स्वरूप, श्री घटाटोप स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन दिए। सभा मंडप में कलेक्टर नीरज सिंह ने पूजन किया। कड़ाबीन ने पालकी के निकलते ही धमाका किया। बाबा की पालकी यात्रा पर हेलीकॉप्टर से 150 किलो फूल बरसाए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य ने सिंधिया घराने की परंपरा निभाते हुए बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस बार भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर महानक्षत्र शिवयोग की साक्षी में आई है। 4 साल में एक बार ऐसी स्थिति बनती है जब सोमवती अमावस्या के साथ भगवान महाकालेश्वर की सवारी का योग रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, उज्जैन।